सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड लव यू ऑल। तो दोस्तों फाइनली मेरा भी वो सपना पूरा हो गया है जो हर एक नया यूट्यूबर देखता है कि यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट कब आएगी। तो दोस्तों मेरी जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट है वो फाइनली सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कितनी आई है एंड मुझे कितना टाइम लगा यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट लेने में एंड इस बीच मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम आई मेरे चैनल पे एंड जो आपको नहीं करनी है। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर चूज करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड मैं अपने चैनल पे बहुत ही अच्छा एंड जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, कभी भी मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ अपनी वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर अनुज। तो दोस्तों मैंने जो ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी वो 2 जनवरी 2020 को स्टार्ट की थी। मैंने 2 जनवरी को इस चैनल की मेल आईडी क्रिएट की थी एंड मैंने 3 जनवरी को इस चैनल को क्रिएट किया था जो अभी आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर अनुज। एंड उसके बाद मैंने इस चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था वो 7 जनवरी को अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको इस वॉलपेपर के बारे में बताया था एंड वो वीडियो अभी तक मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने नहीं डिलीट किया है, आप जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करने में मैं लग गया, मैं दिन रात मेहनत करने लगा इस चैनल पे एंड मैं रोज की एक वीडियो या कभी कभी 2 वीडियो में बनाने लगा। तो दोस्तों मैंने कुछ ही महीनों में 3-4 महीनों में ही अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत ही जल्दी हो गए थे क्योंकि मैं जैसे आपको बोला कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही जेन्युइन कंटेंट एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस वजह से जो भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं एंड मेरी वीडियो को देर तक देखते हैं। इस वजह से जो मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम था वो भी बहुत जल्दी पूरा हो गया एंड मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो तो बहुत ही जल्दी पूरे हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने 18 या 19 मई को मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेज दिया एंड तभी लॉकडाउन था तो मैंने भेज दिया। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा था कि आप लॉकडाउन में भी मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेज सकते हैं रिव्यू में, तो मैंने भेज दिया एंड मेरा जो चैनल का मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ 8 दिन में इनेबल कर दिया यूट्यूब टीम ने। जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया एंड मैंने उसके बाद मैंने किसी भी वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया एंड मैंने जो अपनी अर्निंग है उसे नहीं करना चाहा क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को सुना था बोलते हुए कि अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है एंड आपके जो वीडियो है उन पे बहुत कम व्यूज आते हैं तो आप मोनेटाइजेशन ऑन ना करें क्योंकि इनवैलिड एक्टिविटी के कारण आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो सकता है। तो मैंने इस वजह से मई जून जुलाई मैंने 3 महीने मोनेटाइजेशन को अपने ऑफ कर रखा क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियो पे व्यूज बहुत कम आते थे तो मैंने इस वजह से बंद कर रखा। एंड फिर उसके बाद अगस्त में अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया सभी वीडियो पे। एंड दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह है कि मुझे जो $10 पहले के कंप्लीट करने होते हैं एडसेंस में मुझे वो करने ही नहीं पड़े थे एंड मुझे जो एक्शन बटन है वो मिल गया था जिससे हम गूगल एडसेंस का पिन अप्लाई कर सकते हैं अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। एंड एक्शन बटन जब मुझे मिल गया एंड मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एडसेंस पिन को अप्लाई कर दिया एंड मेरे एडसेंस पिन को घर आने में 21 दिन लग गए। उसी बीच मेरे अगस्त मंथ में कुछ अर्निंग हुई थी एंड उसके बाद सितंबर में मेरी सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई थी एंड ये दोनों मंथ को ऐड करने के बाद जो मेरा पेमेंट है वो आया है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा कितना डॉलर आया है एंड उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में तो आप समझ जाएंगे कि कितना हुआ होगा मेरा पेमेंट। तो दोस्तों मुझे पूरे 9 महीने लग गए हैं YouTube से फर्स्ट पेमेंट पाने में। तो दोस्तों मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो सालों से काम कर रहे हैं तब भी उनका अभी तक YouTube का फर्स्ट पेमेंट नहीं आ रहा है एंड मैं लकी हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है जिस वजह से ये सब हो पाया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा कितना पेमेंट आया है एंड तो मैं उस पेमेंट का क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं उस पेमेंट को अपने लिए यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं जो भी करूंगा मैं अपने इस चैनल के लिए करूंगा एंड आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं इस वजह से मैं इस चैनल के लिए ही कुछ करूंगा उन पैसों से। एंड मेरी जो अर्निंग हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है जिससे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं, पर आप लोगों से प्रॉमिस जरूर करता हूं
कि मैं नेक्स्ट बार आप लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा अपने यूट्यूब पेमेंट जब भी मेरी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो या आप एक यूट्यूबर हो अभी एंड अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ए टू जेड मदद करूंगा। क्योंकि मुझे अभी तक सारा नॉलेज हो चुका है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसे मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, उसे उस एडसेंस पिन कैसे अप्लाई करते हैं, उसे वेरीफाई कैसे करते हैं एंड उसके बाद अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं एडसेंस में। मुझे ए टू जेड नॉलेज हो चुकी है तो मैं अब आप लोगों की मदद कर सकता हूं। एंड जो भी नए यूट्यूबर हैं जिन्हें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको इंस्टाग्राम हैंडल शो कर रहा होगा एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा एंड मैं आपको सॉल्व करके दूंगा अगर आपको मेरे पे भरोसा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर चूज करना। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए।